I have with me Mansoor, a young dynamic philanthropist and entrepreneur, and he's a AAC secretary. He's been contesting with Bengal Central. Mansoor, first of all, congratulations for your thing. What is the reason, you know, like you have been contesting, and what are your programs and what are you going to do for Bengal Central? Because people have got a lot of hopes on you. You're an educated person. First time young youth has been contesting. You know? See, the whole, first of all, I would like to thank the Congress leadership for making me a candidate for the Bangalore Central Lok Sabha constituency. And this has been a Congress stronghold, and Shantinagar has always been with Congress. And I'm sure that in the coming Lok Sabha elections, under the leadership of Mr. N. Harris and the way the constituency has been managed, we will get a considerable lead. And due to this, it will have a significant impact for the results of Bangalore Central Lok Sabha. Sir, people have high hopes that you're going to break the jinx from 2004. Congress has not been winning, and all have high hopes on you. And how do you see your victory? Because people are telling you will be winning by more than 1 lakh. And you know your program. What are your programs? Specific programs? The people have a lot of hope, but the workers here are our strength. And definitely, we have a vision document for Bangalore Central. And we will be debating what we have to offer against what BJP has done so far. And 5 guarantees you think will help? 100% our 5 guarantees have helped the poor and needy. And we are also, we have the 5 nyays, 25 guarantees which have been promised in a manifesto. We will get those. Sir, how many seats will you be winning, sir, Congress? We will win all 28 seats. कई सारे उम्मीदवार मैदान में थे, मोहम्मद नलपाड़ भी कोशिश में थे इस मामले में। देखिए, पार्टी मेरा नाम सिंगल नाम दिए थे, कैंडिडेट बनाया मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, मैं इनकार किया, मैं आई कांट डू नाउ, सो मैं सेड पार्टी के लिए, तो पार्टी टुक दैट। मोहम्मद भी कैंडिडेट था, उसमें कुछ नहीं। हम लोग पार्टी के सिपाही, जो भी पार्टी डिसीशन करेगा हम लोग फॉलो करेंगे। इसमें टिकट देने तक, कैंडिडेट सेलेक्ट करने तक बहुत लोग कैंडिडेट्स रहते हैं, कोई कम्युनिटी का भी उसका संबंध नहीं है। जब कैंडिडेट आ गया वो कांग्रेस का कैंडिडेट है, हम सब कांग्रेस है, हम कांग्रेस काम करेंगे। हैरिस, 2004 से कांग्रेस को सीट नहीं है, इस बार उम्मीद है कि 24 में कांग्रेस से सीट वापस लेगी इंशाल्लाह। इस बार कांग्रेस जीतना है, वो कांग्रेस के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए हमको जीतना है। नहीं, क्या क्या प्रोग्राम है बेंगलुरु सेंट्रल? आप एक एमएलए हैं और आप बीडे के चेयरमैन भी है, क्या क्या प्रोग्राम कर रहे हैं और क्या लोग आपके साथ हैं? नहीं, हम तो काम करते हैं ना, 24/7 कर रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं, लोग हैं, हम काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, पूरा डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है। अब ऑलरेडी हमारा मैनिफेस्टो आने वाले है कांग्रेस के, आपको मालूम है, ऑलरेडी सम प्रोग्राम्स हैव बीन अनाउंस्ड, न्याय प्रोग्राम्स हैव बीन अनाउंस्ड, एंड वी विल सी दैट एवरी प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट रीचेस द लास्ट मैन, द लास्ट पर्सन, लास्ट इंडियन इट विल रीच, दैट इज आवर एम। द चार लोग को सीट पूछे थे, मुसलमान को एक ही मिली थी, आप समझते हैं कि ऐसे लोग नाराज हैं मुस्लिम? नहीं, देखिए, मुसलमान पॉलिटिक्स जानते हैं, सिचुएशन के ऊपर जहाँ पर हम जीत सकता है वहाँ पर हमको टिकट दिया गया है। अभी और भी 2-3 सीट दे सकते थे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल इसके वजह से हमको नहीं दिया है, बट वी ऑल वर्क फॉर कांग्रेस पार्टी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा मेंबर से दूसरा अकोमोडेट कर रहे हैं हमारे को, कांग्रेस कभी माइनॉरिटीज को नहीं छोड़े। सर, दे पार्टी दो है, सिद्धरमैया साइड है, डीके शिवकुमार, आप क्या? नहीं, सब एक है, सब कांग्रेस है, नो उस साइड या इस साइड क्या भी नहीं। और 5 गारंटी सक्सेसफुल हो गए आप? ओ, आप बोल रहे हैं, हम करने वाले हैं, आप हम और कितने कितने सीट जीतेंगे, कितने उम्मीद और कितने कितने सीट जीतेंगे, सीटों की उम्मीद रखते हैं 28 में? 15-20 सीट कांग्रेस इज गोइंग टू विन इंशाल्लाह। साहब, अभी बेंगलुरु सेंट्रल का इलेक्शन होने वाला है, तो क्या है वो, व्हाट्स टेक ऑन दैट, क्या नजरिया है? नजरिया बहुत अच्छा है, एंटी इनकम्बेंसी है बेंगलुरु सेंट्रल में, प्लस मंसूर अली खान एक अच्छे एजुकेटेड कैंडिडेट हैं, और तीसरा जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने 5 गारंटी दी है, जनाब सिद्धरमैया साहब चीफ मिनिस्टर और जनाब डीके शिवकुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इन्होंने और इनकी टीम ने जो 5 गारंटी दी है वो बहुत लो तक, ग्रास रूट तक पहुंची है। और ये मोदी सरकार जो बीजेपी में बोल रही है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाएगी, ये लोगों के दिमाग और दिल में जा चुका है, तो अब सब एक हुए हैं। ये मोदी वेव कुछ नहीं है कहीं भी,
इट्स ओनली इन मीडिया, मीडिया में जो आप चैनल ऑन करेंगे तो चार पांच चैनल में सिर्फ मोदी मोदी दिखाएंगे। तो कर्नाटक में कितने सीट जाने की उम्मीद है? मेरे ख्याल से देखिए, वी आर एमिंग एट 22, कांग्रेस इज एमिंग एट 18 to 22 हो सकता है इंशाल्लाह। बेंगलुरु सेंट्रल में क्या है पोजीशन? वी विल विन। क्या व्हाट इज द मार्जिन ऑफ विक्ट्री एक्सपेक्टिंग? देखिए लास्ट टाइम 70,000 प्लस मार्जिन थी, अब वो 70,000 को कवर करके हम एटलीस्ट 1,25,000 एक्स्ट्रा लाने की कोशिश। लास्ट टाइम 70,000-40,000 प्रकाश राज लिया था, नोटा के 10,000 थे, तो वो कवर हो जाएंगे जी। तो जहाँ जिस जिस पॉकेट्स में कांग्रेस स्ट्रांग नहीं, जैसा माधेपुरा है या शिवराम नगर है, वहाँ क्या कोशिश चल रही है? देखिए माधेपुरा इंचार्ज मैं हूँ, इस बार हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। माधेपुरा लास्ट टाइम 40,000 डेफिशिट थी, तो हम वो डेफिशिट को उतार के अभी एक 20-30 एक्स्ट्रा लेने की कोशिश कर रहे हैं माधेपुरा में, और राजा जी नगर और सी वी राम नगर, इधर ये तीन जगह हम अगर वो डेफिशिट को कवर करेंगे, और शांति नगर, चामराजपेट, सरवत नगर और हमारी और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है ना चामराजपेट, चामराजपेट, ये चार में तो हम 100% लीड लेंगे। गांधीनगर भी देखना है आप? लीड 100% लेंगे हम ये चार में लीड लेके, उधर अगर डेफिशिट कम हम नलीफाई कर दिया तो डेफिनेटली हम जीतेंगे। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं वोटर्स को आके वोट डालने के लिए? अक्सर तुम देखा कि परसेंटेज बहुत कम होती है। देखिए वोटर्स को बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने घर से मैक्सिमम वोट दिलाइए, 100% वोट दिलाइए। एक दो अगर आप कुछ काहली करेंगे तो आखिर में क्या होगा, डिक्टेटरशिप आएगा और रिच विल गेट रिचर, पुअर विल बिकम पुअर, कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा, हम सब मोदी के गुलाम रहेंगे बस ये है। अब और एक बात, वो डबल इंजन सरकार जो कह रहे थे ना दिल्ली में, और यहाँ की डबल इंजन बहुत मशहूर है, कौन? जनाब सिद्धरामैया जी और डी के शिव कुमार जी। एक ही तरफ जा रही है कि अलग अलग जा रही है? नहीं, ये दो भी मैं मेरे आंख से देखा हूँ, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल में भी हूँ, स्पोक्स पर्सन में भी हूँ, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट क्लास है, ये मैं दावा करता हूँ। अशोमन को बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी देखना है कि इंतखाबात जून 4 को क्या होता है। बहरहाल आप देखते रहे नशे में। थैंक यू मिस्टर रिजवान, ऑल द बेस्ट।